everybody and welcome back. Today we have Dr. Vinay Joshi telling us why knee surgery is something you shouldn't be afraid of. Knee surgery उन सब लोगों के लिए है जिनको नी के कारण यानी घुटनों के तकलीफ के कारण अपनी रोजमर्रा जिंदगी जीने में तकलीफ हो रही है और तकलीफ सहना नॉट गुड. डॉक्टर टेल मी, जैसे आपने कहा था डॉक्टर, इवन फॉर माय मदर, व्हाई गो थ्रू द पेन, जब नी रिप्लेसमेंट हो सकता है तो क्यों नहीं. जैसे हम लोग ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि ये नी का जब ये कार्टिलेज खींच जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, अगर ये पूरा घिस गया तो होता क्या है भाग्य सिंह, ये जो हम आप बीच में देख रहे हैं इसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं. तो ये गद्दी अगर घिस के फट गई तो फिर मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. दे स्टार्ट गेटिंग फीलिंग ऑफ लॉकिंग, दे स्टार्ट गेटिंग नाइट पेन. फॉर वंस पेशेंट स्टार्ट सफरिंग दैट मच पेन, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, नी रिप्लेसमेंट इज अ आइडियल ऑप्शन. सो डॉक्टर, आवर व्यूअर्स वुड रियली लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय नी रिप्लेसमेंट. या सो देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट नी रिप्लेसमेंट. एक मरीज ने तो आके मेरे को पूछा, हम आप यहाँ से पूरा काट देते हैं क्या. तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, ये मॉडल जो है इसमें ये घिसा हुआ काट लीजिए. तो वॉट वी डू ड्यूरिंग द नी रिप्लेसमेंट इज वी जस्ट रीशेप द बोन, और ये रीशेप बोन पे ये नी रिप्लेसमेंट मॉडल है जिसमें ये वाला फीमोरल कॉम्पोनेंट है, ये वाला टीबियल कॉम्पोनेंट है, और जो कार्टिलेज घिसा है जिसकी जगह ये हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन लेता है. एंड द होल नी सर्जरी टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू एन आवर. बस एक ही घंटा लो, लेकिन सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है. सर्जरी को एक घंटा जरूर लगता है लेकिन रिकवरी टेक्स अराउंड 3 to 4 weeks. मानो हॉस्पिटल में मरीज 4 दिन रहता है, समझो आज ऑपरेशन हुआ, 24 घंटा मरीज आराम करता है, नेक्स्ट डे पेशेंट सिप एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, डे 3 पे वॉकर के साथ चलने लगता है, करीबन 4 दिन के बाद मरीज घर चला जाता है. पर घर आने के बाद वो सीढ़ी कब उतर चढ़ सकते हैं. पहले 10 दिन से 2 हफ्ता पेशेंट वॉक्स ऑन अ वॉकर, उसके बाद जैसे सॉफ्ट टिश्यूज हील होती है we allow them to start doing stairs. Stairs लेने के बाद they can go down, they can roam around, and the normal recovery as you said may take from 3 to 4 weeks. So what you can expect is after 4 weeks they can have a pain-free, stable, straight knee gait, and even we allow them to drive the car. और वो आलती-पालती मारकर कब बैठ सकते हैं, मतलब cross-legged on the floor. देखिए क्या होता था, जैसे मैंने यूके में ट्रेनिंग लिया है वहाँ जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मरीज नीचे नहीं बैठता था. इन अ इंडियन सिनेरियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड एबल टू सिट ऑन द ग्राउंड. सो इसके कारण हम लोग जो नी डालते हैं उसको हाई फ्लेक्स नी बोलते हैं. तो हाई फ्लेक्स नी की खासियत ही यही है कि उनकी बेंडिंग 155 डिग्री तक आती है. सो इफ़ यू डू योर एक्सरसाइजेस वेरी वेल आफ्टर 4 to 6 months दे कैन सिट रेगुलरली डाउन ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच डॉक्टर. मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स की जितनी घबराहट थी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ये सोचकर वो उड़ गई है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर विनय जोशी ऑन द नंबर गिवन बिलो.